गाइस के साथ सब इस वक्त मैं ताजमहल पे आया हुआ हूँ। ये ताजमहल के मेन गेट आप देख पा रहे हैं यहाँ से, और इसके साइड में आप देख सकते हैं यहाँ पे ये पूरा मैदान है, और यहाँ का पूरा ये देख सकते हैं इसके पीछे एंट्री में ताजमहल का मेन गेट है। अब ये देखिए यहाँ पे ये पूरा गार्डन का एरिया दिया हुआ है यहाँ से। तो अब हम सुबह के 7 बज रहे हैं इस वक्त, अब हम एंट्री लेते हैं, तो चलिए चलते हैं। अभी ये हम आ गए हैं ये एंट्री गेट पे, आप देख सकते हैं मेरे पीछे यह ताजमहल आपको दिख पा रहा होगा, ये इसका एंट्री गेट है। अभी ये देखिए मौसम थोड़ा सा बारिश वाला हो रहा है इस वक्त, और वैसे बारिश अभी हुई नहीं है, कल ही यहाँ पर बारिश हुई थी। और अब हम अभी और आगे की तरफ जा रहे हैं, यहाँ का आप ये देख सकते हैं यहाँ से नज़ारा। अभी सुबह के 7 बज रहे हैं और इतनी ज़्यादा गैदरिंग है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा क्राउड है, और हम लोग सोच रहे थे कि इतनी जल्दी लोग पहुँचेंगे नहीं, लेकिन लोग पहुँचने लगे। और ये देख सकते हैं अभी हम इसके आगे के लिए चलते हैं यहाँ से फ़ोटोशूट करवा के। तो गाइस अब हमने हमारा यहाँ पे फ़ोटोशूट करा लिया है यहाँ पे, और फ़ोटोशूट करा लिया और खूब इंजॉय करा है। ताजमहल की खूबसूरत तरीन इमारत आपको दिखाई, जो दुनिया भर में चर्चित है, दूर दूर से विदेशों से लोग इसे देखने आते हैं। खाली की मोहब्बत, असली मोहब्बत का ये मौजूदा आप देख सकते हैं ताजमहल है, असली मोहब्बत की एक निशानी है जो शाहजहां ने मुमताज़ के लिए बनवाई थी। इसकी नक्काशी, इसकी हर चीज़ पे एक इतिहास है, इसके बनाने वालों का इतिहास, इसकी प्रेजेंट टाइम में बना कैसे, इसकी जो आर्किटेक्चर थे, इंजीनियर थे, हर चीज़ का एक इतिहास आप गौर से सुनेंगे तो आप इसके दिल आपका खुश हो जाएगा। और इंडिया आए तो आगरा ज़रूर आए, आगरा ताजमहल, ताजमहल बड़ा खूबसूरत जगह है, सबसे खूबसूरत हसीनो तरीन दिलचस्प, यहाँ दूर दूर से पर्यटक आते हैं घूमने के। हम लोग यहाँ से एंट्री गेट से आए हैं और फोटो शूट करवा के थोड़ी बहुत वीडियो बना के अब हम लोग ये गाइज़ अब जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं ये ताजमहल है, ये दिख पा रहा होगा आपको, इसकी चारों मीनारें जो है ना ये अलग अलग बाहर की तरफ झुकाई हुई हैं। वो इसलिए झुकाई हुई हैं कि आने वाले टाइम में अगर ये कुछ हो तो मीनारें अंदर की तरफ को ना गिरे, ये बाहर की तरफ को गिरे, तो हल्की हल्की सी ये बाहर की तरफ को आपको झुकी हुई दिख पा रही होंगी। हमें तो यहाँ से अंदाज़ा हो रहा है, शायद आपको वीडियो में ना हो पा रहा हो। और इस टाइम हम उसके एक फर्स्ट फ्लोर पर आ चुके हैं यहाँ पर, इसके बाद में एक और फ्लोर है इसका जो ऊपर की तरफ है, वहाँ पर भी अब यहाँ से चलते हैं, तो चलिए चलें। इरफान भाई हमारे फॉरेनर का फ़ोटो लेते हुए, इज्जत का सवाल है भाई साहब, इरफान भाई इज्जत का, इंडिया की इज्जत तुम्हारे नाम पे इस टाइम। कम ऑन, ठीक है माय बेस्ट। तो गाइस अब आप देख सकते हैं ये जो नदी है इसको बोलते हैं यमुना नदी, ओके। और ये देखिए ये जो है ये मस्जिद है यहाँ पे, और इसके बिल्कुल सामने ये देख सकते हैं आप ये ताजमहल का मकबरा ये दिखाया हुआ, ठीक है। सामने वो पीछे दिख पा रहा होगा वो मेन गेट है, और इसकी मैं आपको बताऊँ हिस्ट्री थोड़ी सी कि ये क्योंकि जब ये बनाया जा रहा था ताजमहल, तो क्योंकि ये यमुना नदी के किनारे पे था, तो इस वजह से यहाँ पे कंस्ट्रक्शन में और इसकी नींव रखने में बहुत ज़्यादा परेशानी आ रही थी,
तो बहुत लोग आए, बहुत से जो बिल्डर्स थे और उस टाइम के जो बनाने वाले थे वो लोग आए, उन्होंने सारी बात बताई गई, शाहजहाँ ने इन सारी बातों को बताया कि सारी चीज़ें। फिर ये डिसाइड हुआ कि उन लोगों ने ये बताया कि इसमें जो है नीचे स्टील के पिलर्स खड़े करे जाएंगे, तो ये यहाँ की मिट्टी जो है तो ये ठोस हो जाएगी ज़मीन, और उसके बाद में उसके ऊपर फिर ये मकबरा बना सकते हैं। तो ये ऐसी हुआ, इसके नीचे बिल्कुल पूरा स्टील का एक बेस बनाया गया, उसके ऊपर से पूरी सीमेंटेड लेयर बनाई गई और बहुत सारा उसमें स्टील लोहा और बहुत सारी तरीके से उसे करा गया, कंस्ट्रक्शन उसका करा गया, और उसके बाद में फिर ये बनाया गया। तभी ये इतनी, आप देख सकते हैं, इतनी भारी बिल्डिंग और इतनी हैवी कंस्ट्रक्शन का काम इस पर पॉसिबल हुआ, क्योंकि ये नदी बिल्कुल देख पा रहे हैं बिल्कुल यहाँ से 50 मीटर भी नहीं होगी, यमुना नदी जो है बिल्कुल करीब में थी, और ये उस वक्त में तो बिल्कुल ये इससे मिलके चलती थी, इसी में आती थी, मतलब ये जो नदी थी ना, और अब भी जब भी कभी बारिश होती है या कुछ होती है तो पानी अक्सर इसका आ जाता है। लेकिन अब जो है इसमें यहाँ पे फेंसिंग लगाई हुई है, यहाँ पे इसे ऊंचा करा हुआ है, यहाँ से उसके नदी के लेवल से इसे ऊंचा रखा गया ताकि यहाँ पे पानी ना आ सके। तो ये देख सकते हैं इसकी यहाँ पे, ये थी इसकी छोटी सी हिस्ट्री जब ये बनाया जा रहा था उस वक्त की हिस्ट्री, और बाकी तो यहाँ पे हम लोग घूम चुके, बाकी और देख चुके, और अभी और दो एक जगह पर जाएंगे वो सबसे बताएंगे। तो गाइज अब हम लोग यहाँ से वापस जा रहे हैं, हम लोग यहाँ से अब उधर जाएंगे, लाल किले की तरफ जा रहे हैं, वहाँ थोड़ी बहुत देर घूम के फिर आगे एक दो जगह और जाना है, वो और कवर करते हैं। हम आ चुके हैं यहाँ पे इस वक्त आगरा के लाल किले में, मेरे पीछे आप देख सकते हैं, ये पीछे आप पूरा दिख पा रहा होगा, यहाँ पे ये एक गेट है इसके एंट्री का, यहाँ से भी हम लोग आए हैं, यहाँ पे बहुत सारे लोग आपको दिख पा रहे होंगे। इस टाइम धूप निकली आई है, अभी थोड़ी सी गर्मी हो गई है यहाँ पे इस वक्त, और ये देखिए ये पूरा इसका एंट्री का गेट है, और बहुत बड़ा है ये, काफ़ी ज़्यादा। चलिए आगे के लिए चलते हैं। ये देख सकते हैं आप, ये मेरे पीछे अंदर का, ये देख सकते हैं पूरा अंदर का नज़ारा। इस वक्त यहाँ पर बहुत ज़्यादा गैदरिंग हुई हुई है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पूरा, और ये इसका सेंटर है एक तरीके से लाल किला आगरा का, ये देखिए, और बीच रास्ता है, बीच इसका सहन बोल सकते हैं एक तरीके से, ये देखिए, और यहाँ पर गैदरिंग बहुत हो रही है, अभी बहुत से इधर हैं, बहुत से पार्टीशन में लोग हैं इस वक्त में जो है। हेलो गाइस, वेलकम टू आगरा फोर्ट। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, तो हम आ चुके हैं रासी किले में, ये आगरा का राजमहल का एक किला है जहाँ से पूरी आगरा की सल्तनत चलती थी। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ये जो दरवाज़े आपको दिखाई देंगे, देखें आपको मैं एकदम फ्रंट टू फ्रंट दिखाई दूँगा, आइए मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे कि ये व्यू कैचर में ये दरवाज़ा है, ये दरवाज़ा है, ये दरवाज़ा है, इसमें कहीं किसी से पारो आती थी, किसी से बसंती आती थी, बादशाहों के अलग अलग शौक हुआ करते थे, उसी हिसाब से यहाँ का इंतज़ाम किया जाता था। ये आप इसका फैब्रिक देख सकते हैं, ये नक्काशी हाल फिलहाल में की गई है, लेकिन ये उस वक्त की नक्काशी को दर्शाती है कि उस वक्त भी नक्काशी पसंद इमारतें पत्थरों पे नक्काशी करके बनाई जाती थी। तो आप ये सब देख सकते हैं, जब से यहाँ पे गैदरिंग बढ़ चुकी है और बढ़ती ही जा रही है, जितना ज़्यादा इंडियन पीपल का यहाँ पर, जितना ज़्यादा अली इंडिया के लोगों का यहाँ पर आना है, उससे ज़्यादा आउट ऑफ फॉरनर का आना यहाँ बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा फॉरनर्स का ये है कि हम लोग यहाँ आए। आगरा किला, किले की खूबसूरती अलग ही है, एक ऐतिहासिक जगह है, हर दीवार का एक अलग इतिहास है, हर दरवाजे का एक अलग इतिहास है। हम
अब अंदर चलेंगे, इस के दिखाना चाहेंगे हम आपको ये मुगलों के दरवाजे हैं। इससे एक दरबार से दूसरे दरबार के अंदर जाने के लिए यूज़ किया जाता था, एक जगह से दूसरी जगह। अच्छा, ये जगह अब इस इतनी पुरानी हो चुकी है कि ये काफ़ी, आप देख रहे हैं वहाँ से ये टूट चुकी है कंक्रीट के, ख़ुद भी रिपेयर करने सीमेंट का और वैसा भी यूज़ करके इसे बनाए रखने के लिए, इसे मौजूद रखने के लिए इसकी रिपेयरिंग वक्त वक्त करती रही होती रही है, इसकी क्लीनिंग हुई है। वो जैसे क्या ऊपर भी सब काई आ जाती है, पर एक वक्त के साथ बारिशें होती हैं, पत्थर पे एक काले कलर की परत आ जाती है तो उसको साफ़ करवाई जाती है। तो वक्त के साथ इसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखा जाता है। जब जाके ये इस हाल में आप लोग इसे देख पा रहे हैं, ये दरवाज़ा, ये लकड़ी का, ये उसी we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go. इमारत की नक्काशियों के साथ मैं आपको एक अलग ही एक दिखाना चाहूँगा फाउंटेन, जहाँ पानी भरा जाता था नहाने के लिए। इसका यूज़ कई तरह से यूज़ किया जाता था। यहाँ पानी भरने के बाद इसका ड्रेनेज सिस्टम जो था आपको नज़र आए, तो इसका ड्रेनेज सिस्टम वहाँ से है, वहाँ से इसका ड्रेनेज सिस्टम था। और ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगता था जब बीच के बहल के बीचों बीच ये फुल हो जाते थे। तो गाइस, हम दरवाजे दीवाने खास की तरफ आते हुए, और हम आपको ये दिखाना चाहेंगे, ये कहा जाता है कि इस जहाँ से आप आवाज़ देंगे इस कोने से, तो दूसरे कोने में सुनाई देगी। जैसे कि आप वो देख सकते हैं, वो लोग सुन रहे हैं, एक वो हैं जो सारे फॉरेनर हैं जो सुन रहे हैं, ये सब प्रैक्टिकली करके देख रहे हैं। ये आप देख सकते हैं, लुक एट दिस, ये है दीवाने खास, दीवाने खास जिसमें खास लोग ही आ सकते थे। और दीवाने खास का इतना खुसूसी मरतबा था, जैसे कि आज बड़े बड़े नेताओं की मीटिंगें बैठती हैं, उसके अंदर हर आदमी नहीं आ सकता, ऐसे ही दीवाने खास में हर किसी को आने की परमिशन नहीं थी। लेकिन दीवाने खास का रुतबा, खूबसूरती एक अलग ही अंदाज से है। तो आइए चलते हैं, हम आपको दीवाने खास की तरफ से चलते हैं। लुक एट दिस, यहाँ पानी भरा जाता था, यहाँ रानियाँ जो प्रिंसेस कहा जाता है, यहाँ उनका चहल रहता था। ये है दरबारे ख़ास, दरबारे ख़ास को मैं आपको अंदर से दिखाना चाहूँगा। और दरबारे ख़ास की मीटिंग जितने दरबारियाँ होते थे, ख़ास लोग होते थे, उसके हिसाब से तय करी जाती थी। ये है आपका दरबारे ख़ास, यहाँ तख्त नशीन, गद्दी नशीन और काजी साहब मौजूद होते थे, जिनकी सामने सारे फैसले बादशाह मोहतरम उनके निगरानी में सारे फैसले लिए जाते थे। तो उन फैसलों के लेने के बाद हुकूमत में अमल दरामद किया जाता था। ये इतनी
नक्काशी को इतनी खूबसूरती से बनाया गया है, आप देखेंगे तो ये संगमरमर है, कि इसकी सफाई भी कराई जा रही है, क्लीनिंग भी करी जा रही है, लेकिन वक्त के साथ ये इसमें येलोनेस आ रही है, पीलापन आ रहा है। बस ये उस टाइम पे एकदम वाइट वाइट कहते हैं ना, एकदम वाइट लाइट मारता था ये सब पत्थर, ये एकदम लाइट मारते थे। तो मैं बताना चाहूँगा, ये एजाज नज़ारा कर रहे हैं कि बादशाह सलामत जब सामने से इस विंडो से बाहर की तरफ देखते थे तो उन्हें फील कैसा आता था। मैं ये भी देख रहा हूँ कि बादशाह सलामत ने सही भी बनवाया है या कुछ कमी छोड़ दिए है। तो हम जानना चाहेंगे आपको कैसा दिख रहा है, सही दिख रहा है या कुछ कमी लग रही है। बहुत जबरदस्त अच्छा दिख रहा है यहाँ से। मैं आपको व्यू दिखाना चाहूँगा। तो हमारा मानना है इस वक्त कि बादशाह सलामत ने जो भी काम करा बहुत ज़बरदस्त करा, लेकिन कुछ उस टाइम पे इतने मॉडल इंजीनियर नहीं थे, इतने मॉडल लोग नहीं थे, इतने मॉडल टेक्निक नहीं थी, वरना कुछ एडवाइस मैं भी उन्हें सजेशन देता कि इस तरह से इसे आर्किटेक्चर को डिज़ाइन को वक्त की बहुत ज़बरदस्त है, लेकिन और थोड़ा सा नक्काशी में और थोड़ा सी डेवलप आ सकता था। लुक एट दिस, ये जो आपको देखा जा रहा है ये बारिश का पानी, ये तो नहीं बाद में लगाया गया, ये सामने खड़े होके नज़ारा किया जाता, कोई भी इस मकबरे में आता था तो यहाँ से नज़ारा करने के बाद पता चल जाता था। जैसे दूसरे सेना जहाँ की भी कोई हमलावर होती थी तो यहाँ से, ये सब दूर तक खेत थे, अब यहाँ पर रोड बना दिया गया है, दूर दूर तक आगे यमुना थी, बहुत लंबा रोड पड़ा हुआ है। तो उस टाइम पे इस यहाँ से नज़ारा देखा जाता था और देखा जाता कौन सी कहाँ की कोई सैनिक आ रहा है, कहाँ आ रहा है। और यहाँ से सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ से आप डायरेक्ट देखेंगे तो ताजमहल भी नज़र आएगा आपको, बहुत बहुत लाइट में नज़र आएगा, छोटा छोटा ताजमहल भी है यहाँ से, एकदम क्लियरली दिख रहा है। अभी इस वक्त थोड़ा सा स्नोफॉल का सा फॉग हो रहा है, थोड़ा सा वजह से क्लियर नहीं आएगा। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे अंदर आना और अंदर जाना अलाउ नहीं है, रेलिंग लगा दी गई है, तो लोग यहाँ पे आते हैं और फोटो खिंचा क्लिक करा कर अपने चले जाते हैं। ये बहुत खूबसूरत जगह है, यहाँ आपके फैसला लेने के बाद यहाँ बातें करे जाती थी, बड़े बड़े जो बादशाह होते थे, वजीर होते थे, और आपके ये सब चीज़ लोग बातें थे। तो गाइज अब मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं, हम अभी आए हैं शीश महल से, यहाँ पर ये बहुत सारे इधर आप देख सकते हैं, इनके तो खैर मुझे नाम नहीं पता इतने ज़्यादा, और एक्चुअली हमारे पास में टाइम बहुत कम है, एक दिन का टाइम है, एक दिन है, और हमें चार पांच जगह हमें कवर करनी है। यहाँ पे इरफान अपनी व्लॉगिंग कर रहे हैं, यहाँ पे ये आप देख सकते हैं ये पार्क जो बनाया हुआ है यहाँ पे, ये जो है इसकी साइडों में इसके वो लगाया हुआ है, और ये आप देख सकते हैं जैसे पूरी क्यारी है, एक वो गार्डन टाइप का बनाया हुआ है, फूल देख सकते हैं नीचे रंग बिरंगे फूल, और ये पूरा ये यहाँ ये इसका मेन सेंटर है, ये इस वक्त हम जो यहाँ पर खड़े हुए हैं आगरा फोर्ट में, ये इसका मेन सेंटर है बिल्कुल जो ये है, ठीक है। उसके साइडों में फिर ये देखें, ये इधर की तरफ शीश महल, इधर की तरफ और भी बहुत सारी जगह हैं, अलग अलग नाम हैं इन सब के, और उसके पीछे फिर मीना बाज़ार और बाकी सारी जगह हैं। ये देखिए, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर, यहाँ से ये सीधा एग्ज़िट है, फिर एग्ज़िट हो गए ये अभी दूसरी जगह पर और निकलेगा, और फिर वहाँ से आगे के लिए एग्ज़िट है, वो मेन एग्ज़िट रहेगा। तो गाइस ये है इस वक्त हम आगरा फोर्ट के हाईएस्ट पॉइंट पे, और इससे ऊपर अलाउड नहीं है जाना, ये एक है रूफ लेकिन इससे ऊपर अलाउड नहीं है। यहाँ से ये पूरा मेन रोड दिखता है, यहाँ से आसपास को दिखते हैं, और ये मुमताज़ गार्डन है वो भी दिखता है, इधर से आप देखिए पूरा
यहाँ तक आपको दिख पा रहा होगा, ठीक है। सामने पीछे की तरफ वो ताजमहल है, वो भी आपको शायद आई होप दिख पा रहा हो। हालांकि फॉग पॉल्यूशन है और थोड़ा सा धूप भी है, तो उसकी वजह से सही तरीके से विजिबल नहीं हो पा रहा। और इसको बोलते हैं दीवाने ख़ास, ये जो जगह है ये है दीवाने ख़ास, यहाँ पर इसकी हिस्ट्री लिखी हुई है सारी। अस्सलामुअलैकुम गाइस, तो अब मैं आ गया हूँ इधर मज़ार शहीद सालिस पर, और इस वक्त आप देख सकते हैं माशाल्लाह से इस मज़ार का काम काफ़ी हद तक कंप्लीट हो चुका है माशाल्लाह। और ये अभी आज आज 21 फरवरी है और माशाल्लाह से इसका काम अच्छा खासा कंप्लीट हो चुका है माशाल्लाह। और अभी ये देखिए आप यहाँ का, ये अभी ये जो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर अभी भी काम चल रहा है माशाल्लाह से, और इंशाल्लाह बहुत जल्द ये कंप्लीट हो जाएगा। और माशाल्लाह से भी काम बहुत अच्छी खूबसूरती से किया जा रहा है, ये आप देख सकते हैं बहुत डिटेलिंग में ये काम किया जा रहा है। अभी मैं आपको इसके अंदर से ज़्यारत भी करवाता हूँ। ये हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम का से मंसूब इमाम बारगाह है, ये आप देख सकते हैं, ये माशाल्लाह से अच्छे काफ़ी सजा हुआ है इस वक्त भी।
तो अब यहाँ मज़ार शेह सालिस पे हमने ज़ियारत कर ली है और फातिहा भी पढ़ लिया हमने, और अब हम यहाँ से वापस जाने के लिए यहाँ से तैयार हैं। तो बस अब यहाँ से सीधा हम लोग अलीगढ़ के लिए रवाना होंगे। ये हम आ चुके हैं आगरा शहीद सालिस के मज़ार पर और इमाम हुसैन के रोज़े पर। ये इमाम हुसैन का परचम लगा हुआ है रेड कलर का, आपको दिख रहा हो। ये जनाब अब्बास की दरगाह है, ये जहाँ ब्लैक कलर का अलम लगा हुआ है। और अभी ये डेकोरेशन हो रही है, मतलब और बढ़ रही है। इसे बनाने के लिए काफ़ी सारा ये सब शहीद सालिस की सारी ज़मीन है, और ये शहीद सालिस के क्वार्टर हैं जहाँ मौलाना आते हैं, रुकते हैं मजलिस के लिए। जो भी बाहर से कोई भी मौलवी आता है उन्हें यहाँ स्टे कराया जाता है। ये सब इलाका वहाँ तक आपको दूर तक नज़र आ रहा होगा, सब ये यहीं का है। और अल्लाह के फजल करम से माशाल्लाह, और देखिए बहुत ज़बरदस्त तरीके से यहाँ पे काम चल रहा है। और अल्लाह के शुक्र से बहुत सैयद सालिस का साथ मज़ार बहुत आबाद और ख़ूबसूरत और बहुत शानदार तरीके से बनाया जा रहा है। तो गाइज़ अभी हम यहाँ पर देखा देख रहे हैं यहाँ से, ये आप देख सकते हैं। ये वैरायटी आप देख सकते हैं यहाँ से यहाँ तक। हो गए कितने हो गए पैसे? मैं कैसे करना, एक ही नहीं अलग अलग, एक अलग कर दो तो और सब एक करना। एक अलग कर लो, कोई वो ना हो, एक अलग कर दो। 607 ऑनलाइन कितने बताया? अमन बन सर ने ₹500 कर दिए। ₹100 अरे रख तू, पकड़ ले साहब यार, चल तू। अरे कोई बात ना थी, देखियो भैया इसके अलावा और कुछ तो नहीं है। ये दो लेना दे दे भी है। ये दो, ये दो, ये एक तो दो बहुत है यार। फन इतना मीठा कौन खाएगा वैसे भी, है ना। रख लो, हाँ पकड़ पकड़ पकड़। तो गाइस अभी हमारा पेठा ले लिया हमने, और हमने रख लिया है अभी पेठा।